ए जी उठो उठो, कब तक सोते रहोगे? हाँ ऐसे खराटे ले लेके, हाँ उठ के देखो तो सही, मैं श्रीदेवी से सुंदर हूँ। ए जी उठिए, सैटरडे संडे कर्फ्यू है। एक मिनट, तुम कौन हो? तू कौन है? अरे मैं इनकी वाइफ हूँ। मैं इनकी वाइफ हूँ। अरे मैं इनकी वाइफ हूँ। अरे मैं इनकी वाइफ हूँ। अरे मैंने कहा ना मैं इनकी वाइफ हूँ। मैं इनकी वाइफ हूँ। ओह गॉड, मैं इनकी वाइफ हूँ। मैं इनकी वाइफ हूँ। मिल रही है, अच्छी मिल रही है। सुनो काके, मेरे दांत नजर आने चाहिए हैं। फोकस मुझ पर रखो खाली। खड़े क्यों? और मुझे बचाइए ना प्लीज। मम्मी एक मेरी तरफ से भी। हाँ नहीं मम्मी, एक मेरी तरफ से भी। Why not बेटा? अरे आप लोग खड़े क्यों, मुझे प्लीज बचाइए ना। हम क्या करें, आपने कर तो दिया, छेड़ दिया दोनों लेडीज को, अब तो कूटेंगे ये। कूटी आंटी, पुलिस आपके साथ है। मैंने देखना चाहिए ना, मतलब आंटी को देखो, इतना बड़ा बच्चा है इनका, इस आंटी को छेड़ दिया आपने, क्या यार। शी, शी। ये बीवी है। किसकी है? अरे मेरी बीवी है, और किसकी बीवी है? हमें क्या पता और किसकी है। एक पुरुष को दो पागल महिलाएं जो है बुरुष की तरह घिसे दे रही हैं चौकी में, और ये नहीं कि तुम लोग जो है मामला सुलटाओ, उलझाने में बिल्कुल नंबर वन और खाने में। Well babies, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the? ये है मेरे बालम, सैटरडे संडे कर्फ्यू है। बालम तेरे बालम, चुप रहे परकटी, हड्डी तोड़ दूंगी जो मेरे दिमाग की हड्डी। मैं श्रीदेवी से सुंदर हूँ मैडम, ये मेरे बालम है। ओ श्रीदेवी का बॉनी। Well, तुम दोनों का एक है पति, मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम है रत्ती। नॉटी अंकल। सही, क्या है प्रॉब्लम, क्या चल रही है? मैडम बात ये है, नमस्ते मैडम, मैं हूँ ब्यूटी, और ये हो रहे मेरे पति, ये है मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्रेम है सच्चा। मैडम मैं श्रीदेवी से सुंदर हूँ। मैडम हुआ ये कि मैं अपने मायके गई हुई थी, मायके से जैसे ही मैं घर में आई, तुम देखती क्या हूँ, मेरे ये हस्बैंड बौराए बिलौटे की तरह बिस्तर पे पड़े खर्राटे ले रहे हैं। तो मैंने कहा इन्हें सो लेने दो, चलो मैं नहा लेती हूँ, तो मैं नहाने चली गई झरने पे। शाबाश, आगे बोलो। आगे ये मैडम कि जैसे मैं अपने घर के बाथरूम से नहा के निकली, देखती क्या हूँ हमारे घर के दूसरे बाथरूम से ये नहा के निकल रही है। सेम कंप्लेन मेरी भी है मैडम, सेम एकदम। मैं अपने पति के साथ थी, सुबह नहा कर निकली तो देखा तो ये मेरे पति को अपना पति कह रही है। सैटरडे संडे कर्फ्यू है मैडम, आप है ना मुझे मेरा पति दिलवाइए बस। मेरा पति दिलवाइए बस। अरे चुप रहे, हड्डी तोड़ दूंगी तेरी अगर मुझे गुस्सा आ गया तो। मेरा पति दिलवाइए, तूने मेरे पति को क्या वो जयप्रदा और श्रीदेवी की फिल्म तोहफा वाली साड़ी समझ रखा है कि मैं तुझे खुशी खुशी गिफ्ट कर दूंगी? हाँ मैं श्रीदेवी से सुंदर हूँ। अच्छा एक मिनट, ये जिस बैंगन के लिए भरता हुई जा रही हो उससे भी जरा जान ले किस थाली में लौटना चाह रहे हो, है भाई? मैं मैडम, मैं हूँ ना हरजय भटनागर, हूँ प्रोफेसर हरजय भटनागर, मैं अतरा डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ। हनीमून कैंसिल हो गया। ओहो महाराज क्या बात है। हाय हाय, कोई तीसरी भी है जिसके साथ हनीमून कैंसिल हो गया? नॉटी अंकल। एक मिनट मैडम, इस आदमी का नाम ही हरजय है, वो तो बेवफा होगा ही ना ऑब्वियसली। हरजय मतलब वो हरजय नहीं, मेरा नाम हरजय है। हाँ हरजय भटनागर, और ये है मेरी बीवी ब्यूटी भटनागर, और ये है मेरा बेटा गुल्ली भटनागर, और ये है, नहीं इसे मैं नहीं पहचानता मैडम, हनीमून कैंसिल हो गया। क्या? मैं जलेबी जागीदार जिसको
झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने दो दिन पहले चिटपुटियागंज में मुझसे शादी की है। नहीं 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 मैडम, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। अरे बुधवार वेनसडे को तो मैं मेरी बीवी को मायके छोड़ने गया था, और आज शुक्रवार है और आज ये वापस घर पे आ गई है। हाँ, इसके साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? हनीमून कैंसिल हो गया है क्या? आज क्या है, शुक्रवार है आज? हाँ, फ्राइडे। शुक्रवार परसों था, आज रविवार है, संडे। देखा मैडम, ये कितने बड़े झूठे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो मंदिर के पुजारी से पूछ लो कि इन्होंने मुझसे शादी की थी या नहीं। सैटरडे संडे कर्फ्यू है। ऐसा कर लो। और ऐसा है, कोई अफसर आए ना चौकी में अगर, तो खड़े होने की जरा मैनर्स। लेडीज के संग आया है इसलिए कुछ कह नहीं रही हूँ मैं। चलो उठो। सॉरी सॉरी मैडम, लेकिन आर यू श्योर के आज संडे है? आर यू श्योर कि ये हेयर कट जेंट्स है? या आई एम श्योर, डैम श्योर। यही वो मंदिर है जहाँ हम दोनों की शादी हुई थी, और यही वो पंडित है जिसने हमारी शादी करवाई थी। सैटरडे संडे कर्फ्यू है। हे जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कान खोल के सुन लो, अगर ये सच निकला ना तो चद्दर की तरह वो धुनाई करूंगी कि याद रखोगे मैं श्रीदेवी से सुंदर हूँ। हाँ, क्यों नहीं। पंडित जी, आप ये बताइए, इन्हें और इन्हें देखकर इन दोनों को आप पहचानते हो? हाँ मैडम, पहचानते हैं। बॉडीगार्ड रेडी है। वेयर इज द बॉडीगार्ड? इज द मेरी बीवी का थप्पड़ है बहुत हार्ड इज द। अरे मैडम जी, हम सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए हमारा तकिया कलाम है बॉडीगार्ड रेडी है। हाँ मैडम जी, दो दिन पहले ये हमारे पास आए और उन्होंने कहा मैंने प्यार किया, हमें लव हो गया, तो इन्होंने इनसे पूछा मुझसे शादी करोगी? तो इन्होंने कहा हम तुम्हारे हैं सनम। तो इन्होंने कहा दुल्हन हम ले जाएंगे, प्यार किया तो डरना क्या। फिर क्या था, मैंने इन दोनों पार्टनर की शादी कराई। फिर इन्होंने पूछा हम आपके हैं कौन? इन्होंने कहा बीवी नंबर वन। चलिए बर्बाद फेरे लीजिए। ये तो है ही बिल्कुल ही एक नंबर का भूला, जो है धरती पे बोझ कमिश्नर साहब की वजह से इसको झेल ले। तुम बिल्कुल ही जो है बर्बादू हो गए इसके चक्कर में। मैडम इसने कहा इसलिए। हे जी, क्या मैं तुम्हारे बारे में छप्पन छुआरे कांड सुन रही हूँ? हाय हाय, बोलो मैं श्रीदेवी से सुंदर हूँ? मैं श्रीदेवी से सुंदर हूँ? अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा कि मैंने इसके साथ शादी की है। हनीमून कैंसिल हो गया। तक तक तुम तुम तुम। पापा आई हेट यू। चलो मम्मी एक नया पापा ढूंढते हैं। हाँ, चलो बेटा, मैं श्रीदेवी से सुंदर हूँ। हाँ, चलो। अरे सुनो, ए, ओ, ए। चल, अब कुछ ना सुनूंगी मैं। तो मुझे क्यों पहचानने से इनकार कर रहे हो कि हम दोनों पति पत्नी है? सैटरडे संडे कर्फ्यू है। अरे भैया, तुम इसकी लाइफ में वांटेड हो, ज्यादा दबंग ना बनो, आप तुम इसे अपना लो। देखिए पंडित जी, ये सब ठीक है, अगर यहाँ पर शादी हुई थी तो आपको कुछ याद है कि इनके अलावा कोई और भी लोग थे यहाँ पे? हाँ, कुछ लोग शामिल थे। कौन थे? अरे ये प्रोफेसर साहब के स्टूडेंट थे। बॉडीगार्ड रेडी है। ओह, अतरा डिग्री कॉलेज जाओ, लॉन्डो से पूछताछ करो, और सर को भी साथ लेके जाओ, बस पान खा के इतरा रहे हैं आजकल। लाल वाली का नंबर है? हाँ हाँ, लिया था यार है। हाँ हाँ बोलो। पढ़ लिया, सब पढ़ लिया ना, खूब नहीं लगा। सुनिए। हाँ जी बोलिए। हाँ देखिए प्रोफेसर साहब, ऐसा है कि हमें थोड़ी पूछताछ करनी थी, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप हमें? अरे नहीं नहीं सर, आपको गलतफहमी हो गई है,
ये कोई प्रोफेसर थोड़ी ना है, हमारे कॉलेज का बहुत पुराना स्टूडेंट है फारूक फेलियर। इतना बुड्ढा? नहीं नहीं सर, बुड्ढा नहीं है सर, हर क्लास को जमा जमा के पढ़ाई कर रहा है, मतलब आगे जाएगा ना। और सर मैं लिब लिब लखोटिया क्लास अटेंड कर लूं क्या? और देखिए हमारा नाम जो है ना वो फारूक फेलियर है, ताजमहल पुराना है। और ताजमहल से पुराने हो तुम इस कॉलेज में है? एक्सपायरी डेट के आदमी है, चुप रहो ना। बकवास करता है ढेला भर के। अरे साहब जी वो क्या है ना कि जब से ये अतर्रा डिग्री कॉलेज खुला है तब से हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, और पांच पांच साल में हर एक क्लास में हम लगाते हैं ताजमहल पुराना है। वैसे आप लोग यहाँ पर कॉलेज में कुछ कांड हुआ है क्या? उषा नाराज है, है? नाराज है? कोई बात नहीं, कांड तो भैया छोटा सा हुआ है कुछ। प्रोफेसर भटनागर को जानते हो? हाँ हाँ। वेरी गुड। तो एक लड़की का कहना है कि प्रोफेसर जी ने दो दिन पहले उस लड़की के साथ शादी कर ली मंदिर में। अरे साहब जी आपको पता है ना, अरे वो सारा इंतजाम तो हमने ही करवाया था। लेकिन वो भटनागर इस बात से कर रहा है मना इज्जा कि वो उस लड़की का दूल्हा नहीं बना इज्जा। और क्या तुम लोग इस बात से वाकिफ हो कि तुम्हारे ये जो गुरु जी है वो पहले से शादीशुदा है? एक बेटा है उनका इतना बड़ा मोटा सा। अरे ये बात हमको पता ही नहीं थी कि हमारे भटनागर साहब जो हैं वो घर गृहस्थी के चूल्हे में पहले से ही रोटी सेक रहे हैं, और अब वो जो है ना वो रोटी की जगह पे परेठा सेकना चाहते हैं। ताजमहल पुराना है तो लिप लिप। हाँ हाँ है? हाँ हाँ सर। अरे सर हमें क्या पता था, हमें पता होता है ऐसा तो हम करते ही नहीं। मैं कहता हूँ भटनागर जैसे प्रोफेसर को इस कॉलेज में होने का कोई हक ही नहीं है। चित्रहार चालू है। देखिए अगर एक कॉलेज का प्रोफेसर खुद ऐसी हरकत करेगा तो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। चित्रहार चालू है। भटनागर का दुश्मन या यार? अरे दादाजी ना दोस्त ना दुश्मन ना यार। मी माइसेल्फ प्रोफेसर, प्रोफेसर चलचित्र चतुर्वेदी। चित्रहार चालू है। देखिए मैं और प्रोफेसर भटनागर सेम डिपार्टमेंट में, वो मुझसे सीनियर है, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है उससे मेरा यानी कि चलचित्र चतुर्वेदी का सर शर्म से झुक गया है। चित्रहार चालू है। देखिए आपको पता है उनकी बीवी इतनी सुंदर है, मतलब इतनी अच्छी है, उसके बावजूद उन्होंने ऐसी हरकत की। छी छी छी। चित्रहार चालू है। सर इससे ये बात तो साबित हो गई कि ये जो प्रोफेसर भटनागर है ये पिज्जा और बर्गर दोनों एक साथ खा जाना चाहता है। और सर हमें बेवकूफ बना रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है। गुलगुले समझ गया सर, मैं समझ गया सर, उसे पिज्जा और बर्गर साथ में खाने दूंगा ही नहीं सर, मैं एक चीज तो मैं खाऊंगा ही। भटनागर का मेडिकल चेकअप करवाओ और मालूम कराओ कि उसे सचमुच में याद नहीं है या वो सिर्फ नाटक कर रहा है बे। राइट सर, राइट 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 सर। स्टूडेंट है बे, आराम से बैठा है, जा बे पानी वानी लेके आ जाओ, चलो निकलो निकल। पानी क्या हो रहा है सर, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? मतलब हद हो गई, हद हो गई। एक लड़की अकेली खड़ी है, मतलब बिचारी शरीफ सी एकदम छुई मुई सी लड़की, घबराई हुई उसको बिचड़ाला केला था, छिलका था, हम फिसल गए केले के छिलके पर। 600 लोगों की यहाँ से पदयात्रा चल रही है, आवन जावन हो रहा है, कोई ना फिसला। ये एक बिल्कुल फिसलू सा आदमी हो रहा जो बिल्कुल मैं जो है ना इप टीजिंग का चार्ज मार के अंदर कर दूंगी मैं। बहुत गलत हो रहा है, सॉरी बोलिए, सॉरी बोलिए, सॉरी मुझे माफ कर दो, जल्दी कर दिया, सॉरी मुझे माफ कर दो, बोलिए मुझे माफ कर दो। थोड़ा है यो चौकी है, मंजी ना है, खेत में ना बैठा है तू, बिल्कुल ही बिलौटे की शकल का। मैंने कुछ नहीं देखा मैडम। चल चल
वैसे मुझे तो वैसे ही कम दिखाई देता है। दिखाई तुझे ना दे रहा, सुनाई तेने कम दे बे, चलने में थारी प्रॉब्लम आ रही। मैडम मैडम किसने फेंका केला खा के केले का छिलका चौकी के बीचों बीच किसने फेंका? मैंने फेंका है। अच्छी जगह फेंका मैडम आपने, अच्छा अच्छा हुआ, पैर में दर्द हो रहा था, ठीक हो गया एकदम। ये इधर दो मैडम, आपने रिपोर्ट मंगाई थी मैडम, रिपोर्ट छोड़िए, रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर और मरीज को दोनों को साथ में लेके आ गया मैं। ये कह रही डॉक्टर साहब तुम्हारी रिपोर्ट? रिपोर्ट एयरपोर्ट, मतलब ये कि सांच को के आंच, कह रही है ये जांच कि मरीज बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन इनके शरीर में TT22 नामक एक केमिकल पाया गया। TT22 क्या है? TT22 एक ऐसा केमिकल है जो अगर 5 mg, सिर्फ 5 mg भी किसी की बॉडी में चला जाए तो वो 2 दिन तक सब कुछ भूल जाता है। ला 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 ला। बाकी रिपोर्ट एयरपोर्ट है, अपने काम की नहीं है। तैने कुछ खाया, मतलब किसी ने तैने कुछ खिलाया था? नहीं, वैसे मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मुझे इतना याद आ रहा है कि हनीमून कैंसिल हो गया। किसी ने तो तने खिलाया है ये TT22 नाम का केमिकल, गोली वोली जो भी है यो, जिसकी वजह से 2 दिन जो है थारी मेमोरी से इरेज हो गए हैं, तने याद ही ना है कि 2 दिन कहाँ गए। हाँ राइट, फ्राइडे सैटरडे। एक मिनट मैडम, इस मौके पे मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही सन्नाटा छन्नाटा भन्नू भन्नाटा आइडिया आ रहा है। तो भन्नाटे दारे रैप ता दूंगी फिर देगा आइडिया। आप तुम्हारा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए मैडम, क्यों ना हम ये TT22 गोली डॉक्टर से लेके सर के पान में डाल के सर को खिला दे, और उसके बाद You are an evil man, यार। डॉक्टर साहब ये तुम्हारी वो हमको TT22 की गोली चाहिए होगी। सॉरी मैम, मेरे पास कोई गोली नहीं है, रिपोर्ट एयरपोर्ट है। पर मेरे पास 6 गोलियां हैं। मेरे पास 1 गोली है, क्लिनिक में है। लेकर आ, इनके संग जाके जल्दी जा। नहीं मैडम, आइए डॉक्टर साहब, पकड़िए। ये बड़ी दाम, मेरा क्या होगा? अरे यार केस भी तो चल रहा है। हाँ अच्छा, हाँ ये थारे जो एक नीचे काम करा है, क्या नाम है उसका, चतुर्वेदी, उसके संग थारे कैसा रिलेशन है? बेकार है। ला 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 ला। मतलब वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर चतुर्वेदी मैडम वो है ना, वो उसकी नजर मेरी कुर्सी पे है, क्योंकि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ ना, उसको भी वही बनना है, लेकिन हनीमून कैंसिल हो गया। हालू करो जरा इसे। किसे? चतुर्वेदी ने और किसने मन ने? मैडम मुझे भी कोई TT22 तो नहीं खिलाता। हाँ क्यों नहीं, सब अपने काम छोड़ के तैने ही TT22 में लगे हुए। सुनो, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, जैसा तुमने कहा था ठीक वैसा ही हुआ है, अब और इंतजार नहीं होता, बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का। याद रहे, काम हो जाना चाहिए, प्रहार चालू है।
हो जाएगा। Oh my gosh!